दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ माई एवरग्रीन फ्यूचर कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि अगर 31 तारीख तक कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाती है तो मैं कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लूँगा। और दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मातृभूमि टीवी के खबर का ही असर हुआ है कि आज 1 फरवरी को आपकी कंपनी ने विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है और आज आप कंपनी में विड्रॉल लगा सकते हैं। दोस्तों कल पूरे के पूरे दिन मैं प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, साइबर क्राइम ब्रांच, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और लीगल टीम यानी वकीलों की बड़ी पैनल के साथ कल मैंने संपर्क किया था और उनसे मैंने कहा था कि मैंने वादा किया है कि मैं माई एवरग्रीन फ्यूचर कंपनी के खिलाफ एक्शन लूँगा, लेकिन कब, जब कंपनी स्टार्ट नहीं होगी तब। लेकिन दोस्तों सीएमडी रिजवान मोहम्मद जी को सबसे ज़्यादा अगर असर हुआ है किसी चीज़ का तो मातृभूमि टीवी के दबाव का असर हुआ है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा दबाव कम उनके ऊपर डाल दिया था कि कंपनी को स्टार्ट करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन दोस्तों आज मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, न मैं कोई दूसरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज खुशखबरी का दिन है, खुशी का दिन है और आज कोई भी इफ और बट नहीं चलेगा, कोई भी किंतु और परंतु नहीं चलेगा। आज मैं 20 लाख लोगों के चेहरों पर जो खुशियाँ देख पा रहा हूँ ये मेरी सबसे बड़ी जीत है और इसी के लिए दोस्तों मैं काम करता हूँ। बाकी मुझे कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जो है, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आज किसी कंपनी में जुड़ करके अपने करियर के लिए काम करते हैं, अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, फ्यूचर के लिए काम करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और आज इस मातृभूमि टीवी की और राजेश मिश्रा की पहल का पूरा असर हुआ है। पीछे मैंने 6 एपिसोड चलाए और पूरे भारतवर्ष में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन प्रशासन में तक मैंने बात पहुंचा दी कि माई एवरग्रीन फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और इन सारी बातों के इतर आज मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों की खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। अब मुझे कंपनी के साथ कोई शिकायत नहीं रहेगी। आज आप लोगों का विड्रॉल लगना शुरू हो गया है, जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पैसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और साथियों आज मैं यही खुशी आपसे बांटने के लिए ये खबर मैं आप तक लेके आया हूँ। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है कि मेरी मेहनत रंग लाई और आज आपके चेहरों पर खुशियाँ लौट आई। अब आप लोग अपने फ्यूचर का ताना बाना कंपनी के साथ बुन सकेंगे। दोस्तों मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरा माई एवरग्रीन फ्यूचर का भी तत्काल आने वाला है, जो कि कल ही आ जाएगा, जिसमें मैं आपको अब ये बताऊंगा कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी जो कंपनी में इतना टाइम लग गया, किस तरीके से सीएमडी को इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आगे कंपनी किस कैलकुलेशन से आएगी, आपका फ्यूचर कैसे होगा सिक्योर। दोस्तों इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और दोस्तों कंपनी में जिस तरह रिजवान जी ने बैकअप किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मैं इसको अप्रिसिएट करना चाहूँगा और मैं रिजवान जी को बधाई देना चाहता हूँ मातृभूमि टीवी के माध्यम से कि आपने मेरी इज्जत रख दी, क्योंकि मैंने 20 लाख लोगों को ये वादा किया था कि मैं किसी भी कीमत पर या तो कंपनी चालू करवा के रहूँगा या तो फिर सीएमडी के ऊपर एक्शन करवा के रहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं खुद भी ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश के 20 लाख लोगों को कारोबार मिले, रोजगार मिले और उनके माध्यम से और 50 लाख लोग कंपनी में आए, उन्हें भी कंपनी में अच्छा फ्यूचर मिले। जैसे कंपनी का नाम है एवरग्रीन फ्यूचर, वैसे लोगों का फ्यूचर एवरग्रीन हो। इसके लिए मैं किसी भी पुरानी बात को आज नहीं दोहराना चाहता हूँ। आज सिर्फ मेरे चेहरे पर बहुत खुशी है और आप लोगों की खुशी को देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे यह भी वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग मातृभूमि टीवी के ऊपर
रिजवान मोहम्मद चमन जी का लाइव इंटरव्यू आप लोग देखेंगे, और उस इंटरव्यू में मैं उनसे ये सवाल भी करूंगा कि सर आज वो सारी बातें बता दीजिए लोगों को। क्योंकि देखो दोस्तों, जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तब लोगों में कंफ्यूजन पैदा होने लग जाता है। और दोस्तों, मेरा दबाव बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं कंपनी के ऊपर इतना दबाव नहीं बनाता तो शायद कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाती। और लेकिन आज मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगा। आज मैं जो भी बात कहूँगा, जो भी तारीफ़ करूँगा, वो रिजवान जी की करूँगा, क्योंकि उन्होंने साइट को स्टार्ट कर दिया है, विड्रॉल स्टार्ट हो गया है। और आपको किस तरीके से पेमेंट आएगा, बड़ा पेमेंट कंपनी में कब स्टार्ट होगा, कंपनी आगे किस स्ट्रेटजी से काम करेगी, किस तरीके से कंपनी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों के मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।